दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट हैं जो सुबह शाम इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं और इनका जो ड्यूटी टाइमिंग ऐसा है कि सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, सीधे शाम को 6-7 बजे वापस आते हैं। तो ये केवल दो बार खाना खाते हैं, सुबह हैवी, सुबह 8 बजे खा के जाते हैं हैवी और रात खाते हैं। सुबह नाश्ते में 5-6 रोटी खाते हैं और शाम को 5-6 रोटी शाम को खाते हैं। और दो और दोपहर क्या खाते भाई? इसमें बोला माइक है। दोपहर क्या खाते हो? दोपहर को केवल चाय पानी बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कम से कम चाय तो हो जाती होंगी 5-6-7 भी हो जाए चाय तो। टिफिन क्यों ले आते हो? टिफिन का असल में ऐसा, हमारा संपर्क सब किसानों से रहना है वगैरह, तो उसका यूज करने का टाइम नहीं मिलता, कहाँ बैठ के खाओ, तो इस वजह से हम टिफिन ले नहीं जा पाते। फल फल नहीं मिला, फल खा लो ना। गांव में कहाँ फल, वायदी में कहीं कोई जा रहा है बेचना तो ले लिया, नहीं मिलता। देखो सुन लो, क्या होता है कि अगर आप इसको लगा लिए और उसके बाद आपने नाश्ता कर लिया हैवी, तो मतलब 5-6 रोटी खाओगे, साथ अंडे भी खाते हो, साथ को दूध भी लेते साथ में, सब्जी। हाँ, तो 6 रोटी भी, आपकी उम्र 60 साल की होने वाली है, तो 6 रोटी ज़्यादा भाई, ऐसे नहीं चलेगा गड़बड़। कभी डायबिटीज के मरीजों को कई बार समझा रखा है मैंने, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाना है, बीच में खाना है, रात शाम 5-6 बजे खाना है, सोते खाना है, आपको टिफिन ले जाना पड़ेगा, ऐसे डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपकी। नाश्ते में खाओ 3 रोटी, बाकी 3 का टिफिन ले जाओ, शाम को करीब खाओ 3, बाकी बचा जो 2-3 रोटी उसको खाओगे 11-12 बजे। 11-12 बजे एक सेब ले लिया या छोटा केला ले लिया या एक मुट्ठी मूंगफली दाने ले लिया या एक चना ले लिया आपने, चले 5-6 बजे लिया आपने, और मान लो किसी और जाते हो चाय कुछ पीते हो, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए इंसुलिन उसके 3 घंटे बाद, लंच फिर 3 घंटे बाद, फिर डिनर और सोते समय। यानी कि जब मरी चाय पी लिए और जब मरी कुछ खा लिए, टाइमिंग फिक्स रखना पड़ेगा। अगर टाइमिंग फिक्स नहीं रखोगे तो शुगर बढ़ता करता रहेगा, कभी कंट्रोल नहीं आएगा। ये इसीलिए तुम्हारा शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा तुम्हारा। और तुम मान लो ऐसा करो कि तुमने मान लो इंसुलिन बढ़ा दूँ मैं और शुगर खाने के बाद कंट्रोल कर दूँ तुम्हारा, मान लो 180 आ जाए और 11 बजे या 10 बजे और दिन में कुछ खाओगे नहीं, दिन में शुगर लो जाएगी, तो ऐसे डायबिटिक कंट्रोल नहीं होगा आपको। आपको टिफिन ले जाना पड़ेगा, खाने के लिए स्नैक बीच में ले जाना पड़ेगा और घड़ी देख कर टाइम खाना पड़ेगा। डायबिटिक में टाइम खाना बहुत जरूरी है, अगर कुछ भी कर लो डायबिटिक कंट्रोल नहीं होने वाला है। टिफिन क्या ले जाने दिक्कत है यार, बैग तो ले जाते हुए तो उसे ले जाओ रखो, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ भैया, नाश्ता फिर 3 घंटे बाद कुछ खाना, फिर लंच फिर 3 घंटे खाना, फिर डिनर सोते हुए खाना, तब कंट्रोल आएगा। अदरवाइज कभी शुगर हाई कभी लो होता रहेगा। हाँ, तुम्हें तुम उस दिन रात को शुगर लो हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम सोते समय कुछ खाते नहीं हो। सोते समय दूध कब पीते हो? दूध हैं, हाँ, जिस दिन छोड़ दो उस दिन शुगर लो जाएगी, बहुत जरूरी है। हाँ 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 तो शुगर लो जाएगी, समझे?